हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिली पनीर ग्रेवी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दो सौ ग्राम पनीर में एक चौथाई चम्मच अदरक, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक डाल के मिक्स करेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच मैदा लिया है, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और एक चौथाई कप पानी लिया है और स्मूथ पेस्ट बनाया है। इस घोल में पनीर को डिप करके हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और साइड में रख देंगे। इस घोल को बनाते टाइम सारा पानी एक साथ न डालें, थोड़ा थोड़ा करके स्मूथ पेस्ट बनाएं। 10 मिनट बाद इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के पनीर पीसेस को कोट करें ताकि मसाले इसमें लगे रहें। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इन पनीर को मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डाल के धीमी आंच में तल लेंगे। पनीर के टुकड़ों को एक साथ न डालें, एक एक करके ही डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएंगे। हमें इन्हें लाइट गोल्डन कलर आने तक ही तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है। चिली पनीर को ड्राई भी बनाते हैं और ग्रेवी भी बनाते हैं। हम यहाँ पर ग्रेवी बनाएंगे। हम सारे पनीर पीसेस को धीमी आंच में तल लेंगे। पनीर तल के रेडी हो गए, हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर तल के रेडी हो गए, हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के पनीर भी एक एक करके डाल के तल लेंगे। अब हमें ग्रेवी तैयार करना है। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल डाला है और 2 इंच का अदरक कद्दूकस के डाला है और 2 हरी मिर्च के टुकड़े डाले हैं और सौते करेंगे। अब इसमें 1 शिमला मिर्च कट करके डालेंगे और फ्लेम को हाई रख के 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। 1 मिनट के बाद आंच को धीमी करेंगे और सॉसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डाला है, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डाला है और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाला है और सब डाल के सौते करेंगे। धीमी आंच पर ही हमें सौते करना है। पानी का घोल बनाया है, उसमें 1 कप पानी, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/4 चम्मच काली मिर्च डाला है, 1/4 चम्मच नमक डाला है या स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच शक्कर डाल के घोल बन इसमें डाला है मैंने। ग्रेवी को धीमी आंच पर ही पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद जो तले हुए पनीर के पीसेस हैं इस ग्रेवी में डाल के 1 उबाल आने तक पका लेंगे और हमारा चिली पनीर ग्रेवी बनके रेडी हो जाएगा। इस ग्रेवी को 3 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। चिली पनीर ग्रेवी को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नान के साथ या रोटी के साथ हम सर्व करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ रहा है, अब हम गैस बंद करेंगे। अब चिली पनीर ग्रेवी बनके रेडी हो गया। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।